शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू के दौरान रात्रि में भी कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार सड़क पर उतरे और जटेपुर स्थित चेतना तिराहे पर सघन अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने फालतू घूमने वाले लोगों का चालान भी काटा। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि लगाए गए कर्फ्यू का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना है, इसलिए जनता सरकार और प्रशासन का सहयोग करे तथा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अभी देखिए हम सघन जगह अभियान चलाया जा रहा है। पूरे दिन का लॉकडाउन है, लेकिन
दो दो घंटे का हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें पूरी फोर्स जो है थानों की वो सब बाहर आ जाती है और एक एक पॉइंट पर चेकिंग करती है। अभी यहाँ जटेपुर पे हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी सारे वाहनों को रोका गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, टोका टाकी की जा रही है। जिनके पास वैलिड रीज़न है उनको अलाउ कर रहे हैं, पर जिनके पास नहीं है उनको उनके खिलाफ जुर्माना भी वसूला जा रहा है, चलान किया जा रहा है। और जो भी हम वाहन अलाउ कर रहे हैं, आज से एक रजिस्टर रखवाया गया है हर जगह पर, उसमें उसका कारण लिखा जा रहा है कि क्यों उसको अलाउ किया जा रहा है। अगर वो अस्पताल जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, जो भी कारण है वो लिखा जा रहा है। जहाँ आवश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। मेरी यही सबको अनुरोध रहेगा कि आप लोग कृपया बाहर ना निकलें और अपने आप को बचाएं। जनता से क्या, जनता से ये अपील है कि अपना ध्यान रखें, खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उनका प्रयोग करें और पौष्टिक आहार लें, अपना भाप भी लें, दिन में दो तीन बार भाप अवश्य लें, और अपने आप को बचाएं, अपने परिवार वालों को बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं।